हेलो दोस्तों, आज पाव रोटी बनाते हैं। चलिए, 1 किलो आटा लेंगे और उसके बाद 125 ग्राम शक्कर लेंगे। सबको अलग अलग उलबे में डालेंगे। उसके बाद 15 ग्राम नमक लेंगे। सबको अलग अलग एक उलबे में इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि मिलाने में अच्छा रहेगा। उसके बाद खमीरा लेंगे 15 ग्राम। उसके बाद एनर्जी पाउडर लेंगे, सोडा 20 ग्राम। सबको वजन के हिसाब से लेंगे। उसके बाद 125 ग्राम दूध लेंगे। उसके बाद 125 ग्राम पानी लेंगे। इसके बाद 50 ग्राम आटा लेंगे। सब ये अलग अलग उलबे में लेना, इसको मिक्स करेंगे, अभी बताएंगे आगे वीडियो में। उसके बाद 3 अंडे लेंगे। 3 अंडे को भी फोड़ कर एक उलबे में डाल लेंगे। उसके बाद 40 ग्राम तेल लेंगे, ऑयल 40 ग्राम। सब चीज़ वजन कर कर के इकट्ठा कर लेंगे एक कटोरे में। इसके बाद 550 ग्राम दूध लेंगे। इसके बाद शक्कर, खमीरा, नमक, सोडा जो था उसको सब दूध में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छे से, खूब अच्छे से घुमाएंगे चम्मच से। इसको सब मिक्स कर देना दूध में, 550 ग्राम दूध में। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद उसके बाद 125 ग्राम पानी, 125 ग्राम दूध और 50 ग्राम आटा डाल के इसमें खूब अच्छे से गरम करेंगे। गैस पर रख के खूब अच्छे से पकाएंगे इसको, जब तक इसका ये दूध पानी सब सूख नहीं जाएगा इसमें। अभी मैं पका के दिखाता हूँ आपको कैसे रहेगा, देख लें। सूख गया सब चीज़, ऐसे ही रखना है गर्म हीटर वगैरह में। उसके बाद तेल और उसी को पकाने बाद फ्रीजर में डाल देंगे। उसके बाद 1 किलो आटा इस मशीन में चढ़ाएंगे। उसके बाद स्लो में घुमाएंगे। उसके बाद अंडा डालेंगे, जो 3 अंडे फोड़ कर रखे थे। अंडे डालने के बाद स्लो में एकदम थोड़ा मशीन घूमने देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद दूध और शक्कर जो मिक्स करके रखे थे उसको डालेंगे इसमें।
इसको थोड़ा घूमने देंगे मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। उसके बाद ये आटा जो फ्रिज में रखे थे उसको डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। जितना था पूरा डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद थोड़ा स्पीड कर देंगे मशीन को, 3 मिनट के लिए मैक्सिमम घूमने देंगे। तीन मिनट घूमने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे जो फ्रिज में रखे हुए थे, तेल 40 ग्राम जो वजन करके रखे थे। उसके बाद मशीन थोड़ा स्पीड कर देंगे, 5 मिनट तक इसको घूमने देंगे लगभग। उसके बाद निकाल लेंगे इसको, इस तरह घुमाएंगे थोड़ी देर, मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट इसको इस तरह घुमाना, अच्छा से गोलाई कर गोला कर देना। देखो ये हो गया है, इसी तरह सेम सेम करके इसको इसी कटोरे में डालकर ऊपर से पन्नी लगा देंगे। उसके बाद इसको फ्रीजर में डाल देंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद 20 मिनट बाद निकालेंगे इसको, फिर घुमाएंगे 7 मिनट तक मैक्सिमम। ध्यान रहे उस तरह करने के बाद फ्रीजर में रखना, उसके बाद ही निकाल के 20 मिनट के बाद 7 मिनट फिर मशीन में घुमाना। इसका टेम्परेचर आखिर से आखिर 24 जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम आखिर 24 हीटिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा मशीन को स्पीड में घुमा देंगे कि जल्दी रेडी हो जाए अपना आटा। उसके बाद निकाल लेंगे
उसको वजन करेंगे अपने साइज के हिसाब से कितना बड़ा बर्गर चाहिए। हम 70 ग्राम रखते हैं। 70 ग्राम रखने के बाद इसको राउंड में घुमा देंगे, घुमाकर इसको एक ट्रे में रख देंगे। इसको 70 ग्राम वजन कर करके रख देंगे। 70 ग्राम चाहिए, 60 ग्राम चाहिए, 80 ग्राम चाहिए। हम अपना 70 ग्राम रखते हैं। ये देख लीजिए 70 ग्राम के हमने 15 पीस बनाए रख दिए। और अब ये ट्रे बनाएंगे, इसको डाल देते हैं मशीन में। देखिए हमने एक और ट्रे तैयार किया 70 ग्राम का, 15 पीस है इसमें। मशीन में डालते हैं, दिखाते हैं मशीन में। हीटिंग मशीन है। ये देखिए इसमें रख दिए हैं। मैक्सिमम 2 घंटे के बाद निकालेंगे इसके अंदर से पकाने के लिए, क्योंकि हमारे तैयार हो चुके हैं पाव रोटी। ये देख लीजिए कितने मस्त आए हैं। मैक्सिमम 2 घंटे इस मशीन में रखना है, उसके बाद निकाल के इसमें ऊपर से दूध डालेंगे मशीन से हमने। आप इसको स्प्रे से भी डाल सकते हैं, जो एक आता नहीं है नाई के दुकान में जो यूज करते हैं उसमें से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको हीटर मशीन में पकाएंगे।
इसको 150 के टेम्परेचर में पकाएंगे, मैक्सिमम 5 मिनट पकाएंगे, 70% तक पकाएंगे इसको। अभी और पकाएंगे थोड़ा। अब ये 70% हमारा पाव रोटी पक चुका है, इसमें ऊपर से फिर दूध मारेंगे। उसके बाद ऊपर से तिल डालेंगे हम इसमें। आप चाहे तो डालिए, चाहे तो नहीं डालिए तिल को। हम इसको फिर पकने के लिए डाल देंगे मशीन में, क्योंकि अभी 30% बाकी है पकने के लिए। जब सेकंड ट्रे निकालेंगे उसमें डालेंगे सेम दूध और तिल। इसको भी दूध ऊपर से मार के फिर से डाल देंगे हीटर मशीन में पकने के लिए। वाओ, ये देखिए अब हमारा पाव रोटी पक कर तैयार है 100%। देखिए कितनी मस्त बनी हुई है। देखिए कितनी मस्त है। ये देखिए 1 किलो आटे में 30 पाव रोटी निकली है। और हमारा चैनल आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। देखिए कितना मस्त पका हुआ है, कितनी मस्त अच्छी पाव रोटी लग रही है।